अलवर न्यूज के रिपोर्टर शक्ति सिंह प्रजापति के अनुसार मालाखेड़ा के निकटवर्ती ग्राम पंचायत कलसाड़ा में रति की ढाणी के बीच रास्ते में बिजली के ट्रांसफार्मर रखे होने से बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर रति की ढाणी के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। एडवोकेट रिपुसुदन चौधरी ने बताया कि मुख्य मार्ग से कई गाँव के रास्ते जुड़े हुए हैं। इसको मनरेगा कार्य के तहत सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे सड़क मार्ग को 25 फीट चौड़ा किया जा रहा है। मार्ग में 11 केवी की विद्युत लाइन और विद्युत खंभे आ रहे हैं। इनको हटवाने के लिए बिजली विभाग को 2 बार लिखित में शिकायत देने के बाद भी बीच रास्ते से ट्रांसफार्मर नहीं हटाए जा रहे हैं। इससे बड़ा हादसा हो सकता है। ग्राम पंचायत सरपंच बच्चू सिंह चौधरी का कहना है कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से यदि कोई भी रति की ढाणी में हादसा हुआ तो बिजली विभाग इसका जिम्मेदार रहेगा। गांव कलसाड़ा से ये रति की ढाणी है। यहाँ पे बहुत सालों से एक रोड है जो पड़ा हुआ था, ऐसे ही बहुत समस्याएं आ रही थी इस रोड से, क्योंकि ये लिंक रोड है। यहाँ से कई गांवों का रास्ता निकलता है और MIA की तरफ जो मजदूर लोग जाते हैं उनका ये मेन रोड है। यहीं से जो भी लोग जाते हैं वो सारे यहीं से होकर निकलते हैं। तो इस रोड को अब बनने के लिए बड़ी मुश्किल से हमने प्रयास किए और ये सरपंच साहब के द्वारा और हमारे सबके प्रयास द्वारा ये जो बनाया जा रहा है, तो इसमें नरेगा का काम चल रहा है। 25 फुट का ये रोड चौड़ा है, जिसमें बीच में स्टार्टिंग से लेके ही जो बिजली के खंभे हैं, बीच बीच में ये ट्रांसफार्मर वगैरह जो आ रहे हैं, इनकी वजह से ये जो रोड है इसकी जो सकड़ापन महसूस हो रहा है, और जिसके वजह से रास्ते में से जो साधन निकलते हैं ट्रैक्टर वगैरह और जो फोर व्हीलर जो यहाँ से निकलती है, तो बचने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तो हम यही निवेदन करना चाहते हैं सभी ग्रामवासी यहाँ कि ये जो बीच बीच में जो भी बिजली के खंभे और ये जो 11,000 की लाइन निकल रही है, तो इनको साइड में करवा दिया जाए ताकि साधनों को निकलने में कोई समस्या ना हो। बिल्कुल घटना होने की संभावना है, आप देख सकते हो ऊपर 11,000 लाइन निकल रही है। अगर यहाँ पे कोई भी साधन बचने के लिए निकलेगा तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी किसी भी हिस्से को अगर टच कर गया तो ये खंभे नीचे गिर के रोड पे ही पड़ेंगे, जिससे जनहानि की समस्या हो सकती है। जी, हमने लिखित में बिजली विभाग में भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं।